Hello students, welcome to all of you in the problem solving lecture of set theory. आज के क्लास में सेट थ्योरी के कुछ और भी इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रीवियस JEE के एग्जाम में पूछे गए हैं. तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम JEE 2019 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ये. तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. देर आर टू न्यूज़पेपर ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन अ सिटी. इट इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए एंड 20% रीड्स बी व्हाइल 8% रीड्स बोथ ए एंड बी. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे यदि हम, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, चार ऑप्शन गिवन हुए दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है दैट इज वेन डायग्राम. और वेन डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सिटी है सपोज उसके अंदर जो है वो यूनिवर्सल सेट हम उस सिटी के पॉपुलेशन के अंदर के एलिमेंट को रखेंगे. दैट इज इसमें 100 लोग हैं ऐसा मान के चलते हैं. परसेंटेज वाले में यूनिवर्सल सेट में हम कितने एलिमेंट लेट करके चलते हैं 100, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको परसेंटेज में ही उसी में हम समझने की कोशिश करते हैं. तो टोटल कितने न्यूज़पेपर हैं की बात कर रही है ए एंड बी, और ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 25% लोग हैं, है ना. तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस यूनिवर्सल सेट में दो सेट बना लेते हैं. एक सेट है ए सेट और दूसरा सेट है बी सेट. ए इज द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर ए एंड बी इज द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर बी. सिंपली इट इज गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन दैट इट इज गिवन दैट 8% रीड बोथ ए एंड बी. तो ये जो रीजन होता है वो बोथ ए एंड बी वाला रीजन होता है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो आउट ऑफ 100 8% ऑफ 100 इज 8. एक्चुअली 100 का 8% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 8. सो 8 पीपल जो है वो दोनों ही न्यूज पेपर पढ़ते हैं. 20% रीड बी. कितने लोग हैं जो कि बी न्यूज पेपर पढ़ते हैं, 20. तो 8 तो इसके अंदर है और इधर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 मिला करके 20 हो जाना चाहिए. मतलब बी रीड न्यूज पेपर रीड करने वाले 20% लोग हैं. तो इसीलिए यहाँ पे 8 आएगा तो इधर 12 हम रख लेंगे, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया हुआ है. 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए. सो 25% दैट मींस आउट ऑफ 100 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए. सो 8 इज ऑलरेडी हियर सो इट मस्ट बी 17. ओके, बिकॉज 17 प्लस 8 इज 25. दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन फर्दर. सो इट इज गिवन दैट फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी. 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स. सो 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी. सो हाउ मेनी पीपल आर देयर हु रीड ए बट नॉट बी, दैट इज दिस रीजन. This is the reason that is in A but not in B. So there are 17 people who read A but not B. कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं, 17% लोग हैं. मतलब 100 में से 17 लोग तो ऐसे हैं जो कि A newspaper पढ़ता है लेकिन B नहीं पढ़ रहा है. उसका 30% advertisements को look करता है, ठीक है ना, देखता है. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो 17 का 30% निकाल लेंगे. और 17 का 30% कैसे निकलता है, 17 × 30/100. तो ये कितना हो जाएगा आपका, 51/10 एंड दैट इज 5.1. टोटल का 5.1% जो है वो हमें पता चल रहा है लोग हैं, या 5.100 में 5.1 लोग ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर सिर्फ ए वाले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बी नहीं पढ़ते हैं, और वो क्या है कि एडवर्टाइजमेंट को लुक करते हैं. आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. एंड 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए. हाउ मेनी पीपल आर देयर हु रीड न्यूज़पेपर बी बट नॉट ए.
न्यूज़पेपर बी बट नॉट ए इज दिस रीजन, बी माइनस ए कहते हैं इसको, है ना, बी माइनस ए। सो हाउ मेनी पीपल आर देयर हु रीड न्यूज़पेपर बी बट नॉट ए, दैट इज 12। सो 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, तो ये पढ़ने वाले तो 12% लोग हैं, और इस 12 में से 40% लोग हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट को लुक करते हैं, सो ऑल्सो लुक एडवर्टाइजमेंट, वो भी है। तो 12 का 40% कितना होगा, तो 12 × 40/100, ये 0 से 0 कैंसल आउट होगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, एंड दैट इज 24/5, एंड दैट इज 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8% ऐसे लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट और देखते हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, वाई 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, दैट मीन्स ए और बी दोनों ही जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कितना दिया हुआ है, 8, इसका 50%, 8 का 50%, तो 8 × 50/100 एंड दैट इज इक्वल टू 4%। यदि परसेंटेज में बात करेंगे, यदि टोटल 100 यूनिवर्सल सेट में है तो 4 लोग ऐसे हैं जो कि और एडवर्टाइजमेंट देखने वाले लोग हैं। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट इज, एडमिन्स इस टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज लोग है जो कि एडवर्टाइजमेंट देखता है। तो सबसे पहले तो 5 पॉइंट शुरुआत से देखते हैं, ये हमने पहले दिया हुआ था कि 7 जो लोग ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं पढ़ते उसका 30% लोग एडवर्टाइजमेंट देखता है, तो वहां से हमने पता किया था कि 5.1% लोग हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। फिर बात करी थी क्वेश्चन में कि बी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन ए जो नहीं पढ़ते, मतलब 12% में का जो है वो 40% निकाला, तो हमने 12 का 40% निकाला, दैट इज 4.8% लोग और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। जो लोग दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ए न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं बी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं वो 8% दिया हुआ था, उसका हमने 50% निकाला तो 4% आया हमारे पास, ठीक है ना। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, सो टोटल नंबर इसका जो आंसर होना चाहिए, कितने लोग होंगे ऐसे जो कि एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे वो पूछा गया है क्वेश्चन में, दैट इज 5.1, परसेंटेज में भी बात करेंगे तो 5.1% प्लस 4.8% प्लस 4% एंड दैट इज इक्वल टू 5 + 4 9, 9 + 4 13.9%। ओके 13.9% लोग ऐसे हैं टोटल पॉपुलेशन का जो कि एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये हमें यहां से क्लियरली पता चल रहा है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने में आपको जो है वो यदि आप वेन डायग्राम से करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, बट इसको सॉल्व करने में जो है वो मुझे नहीं लगता है कि जो है वो 1 से 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा। वेन डायग्राम बनाइए और आगे जो है वो क्वेश्चन में सिंपली जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज निकालना है और उन परसेंटेज को ऐड करना है। सो दिस इज अ वेरी इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए सेकंड प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, सेट थ्योरी का ही ये प्रॉब्लम है और ये JEE 2020 जनवरी अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। एक्चुअली JEE का जो एग्जाम होता है उसके वो आजकल 2 अटेम्प्ट्स में होता है, जनवरी अटेम्प्ट एंड अप्रैल अटेम्प्ट, एंड जनवरी का जो अटेम्प्ट है उसमें एक्चुअली ये जो एग्जाम्स होते हैं वो शिफ्ट में होते हैं, टोटल 6 शिफ्ट्स में 3 दिन में ये एग्जाम आजकल कंडक्ट किए जाते हैं JEE के, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। तो सभी जो अलग अलग शिफ्ट में है उनमें सब में पेपर जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसमें से एक शिफ्ट के अंदर जो है वो 2020 जनवरी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या था, सेट थ्योरी से था, और ये था क्या, लेट कैपिटल एक्स इज अ सेट दैट इज एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन लाइज बिटवीन 1 to 50 वेयर 1 and 50 बोथ आर इंक्लूडेड, सो दिस सेट इज नथिंग बट 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू 50। ओके
इट इज गिवन दैट एन इज अ नेचुरल नंबर एंड एन लाइज बिटवीन 1 to 50. सो 1 और 50 को इंक्लूड करते हुए उसके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो कितने होंगे, 50 होंगे. समझ रहे हैं बात. उसके बाद पूछा गया है ए सेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ ए इज अ सेट दैट इज एन बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एन कहां से होना चाहिए, एक्स सेट से होना चाहिए. और एक्स सेट क्या है, 1, 2, 3 से लेकर 50 तक है. क्लियर. सो एन कहां का एलिमेंट होगा, एक्स सेट का एलिमेंट होगा. लाइक 1 से लेकर 50 तक कोई भी नेचुरल नंबर होगा. और एन इज ए मल्टीपल ऑफ 2. एन क्या होगा, मल्टीपल होगा 2 का. तो यहां से साफ साफ मतलब ये निकल जाता है कि 1 से लेकर 50 तक 2 के मल्टीपल में कौन कौन से नंबर हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टू 48 एंड 50 लास्ट. ये सारे के सारे नंबर जो है वो सेट ए में है. तो इसका मतलब यदि हम बात करें कि ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो होगा वो 25 होगा. देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 25, क्योंकि 2, 4, 6, 8 से लेकर 50 तक एलिमेंट है. तो ए सेट में 25 एलिमेंट है. बी सेट की बात करते हैं, तो बी सेट में भी हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि एन बिलोंग्स टू एक्स. एन कहाँ का एलिमेंट होगा, इसी सेट का एलिमेंट होगा. 1 से लेकर 50 तक जो नेचुरल नंबर है उनका एलिमेंट होगा. एंड एन इज ए मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का मल्टीपल होगा. तो 7, 14, 21 आफ्टर दैट 7 का जो मल्टीपल होगा वो कौन कौन सा होगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड लास्टली 49. सो इसके अंदर यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात करेंगे तो वो कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि 7 जा 49, तो 49 तक ही हम लिखेंगे, 50 से पहले तक ही होने चाहिए. तो 7 का जो मल्टीपल है 1 से लेकर 50 में वो यही सारे के सारे नंबर्स हैं. तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट्स हैं. अब आगे हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है. देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी. पूछा है कि एक्स सेट का जो है वो सबसे छोटा सबसेट कौन सा होगा जिसमें ए और बी दोनों के ही एलिमेंट हो. ठीक है, तो यदि हम बात करें ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 25 है. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितना है, 7 है. इसमें से यदि आप बी सेट में देखोगे तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो ए सेट में भी है. जैसे 14 हो है तो 14 ए सेट में भी होगा, 2, 7 जा 14, है ना. तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो दोनों में होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा. तो यदि हम बात करें तो 14 हो गया, 28 हो गया एंड 42 हो गया. ये जो तीन एलिमेंट है, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल भी है ना, तो 14, 28 एंड 42 ऑल आर मल्टीपल ऑफ 2. सो दीज आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी. ए में भी होगा, बी में भी होगा. कौन कौन सा एलिमेंट, 14, 28, 42, बाकी नहीं होंगे. ठीक है ना, 7, 21, 35 एंड 49 2 के मल्टीपल में तो है ही नहीं. तो कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी है और बी में भी है, दैट इज 3 एलिमेंट. तो अब यदि मैं पूछता हूं कि ए यूनियन बी यदि हम निकालें, ए यूनियन बी निकालें, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. एंड दैट इज 25 प्लस 7 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 32 माइनस 3 एंड दैट इज 29. ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कि ए और बी किसी ना किसी एक में है. तो यदि मैं यहां से ध्यान से आपको बताऊं, देखो ध्यान से एक बार, ए सेट और बी सेट, बी ऐसा कितना एलिमेंट है जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी दोनों में, 3 है. ए सेट में कितने एलिमेंट है, 25. तो ऑब्वियसली 22 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ए सेट में है. 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो बी सेट में भी है. और बी सेट में कितना एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, जिसमें से 3 तो कॉमन है और 4 ऐसे भी होगा. तो 22 प्लस 3 25 प्लस 4 29 ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि ए यूनियन बी में होंगे. सो या तो वो ए में होंगे या तो बी में होंगे. तो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, हम
पूछा हुआ है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स, एक्स सेट का सबसे छोटा कौन सा सबसेट होगा जिसमें दोनों के ही एलिमेंट होंगे, ए एंड बी दोनों के ही एलिमेंट होंगे। तो ए एंड बी या तो ए या तो बी में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 29 है। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि 29 एलिमेंट्स यदि किसी सेट में हम ले लें जिसमें ये सारे एलिमेंट हो, 2, 4, 6, 8 से लेके 50 तक हो, 7, 21, देखिए ऐसा एक सेट बना लेता हूं जिसमें 2, 4, 6 से लेके 50 तक तो है ही, और ये सब भी एलिमेंट है, 7 है, 21 है, 35 एंड 49 ऐसे। ठीक है, इसमें 14, 28, 42 तो इसी में होगा, तो 25 ये रहे और ये 4, 29। अब ये जो 29 एलिमेंट्स हैं वो जो सेट है इसमें ए सेट के भी एलिमेंट हैं और बी सेट के तो एलिमेंट भी हैं, लाइक इसमें 14, 28, 42 ये सब भी आ ही गया और ये सब भी आ गया जो कि बी सेट में है, 7, 21, 35 एंड 49। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सबसेट हो सकता है कैपिटल एक्स सेट का, एक्स सेट का जिसमें ए एंड बी दोनों के ही एलिमेंट हो, वो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ये पूछा गया था, एंड दैट इज द आंसर, दैट इज 29। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ प्रॉब्लम था और कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोच सकता है कि ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये बी जो प्रॉब्लम है वो JEE के अंदर जो है वो 2020 JEE जनवरी अटैम्प में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, JEE मेन के अंदर। तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए सेट गिवन है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2। क्या है हमारे पास ए सेट, एक्स इज अ रियल नंबर एंड मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2 ए सेट के जो में जो एलिमेंट है वो कैसे निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते जाइए कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात कि इसको समझना पड़ेगा कुछ चीजें जो होती है ना, मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2 यदि मुझे ये सॉल्व करना है तो समझिए इस बात को। नंबर लाइन में क्या होता है कि ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2 और इस तरीके से जो नंबर है वो इधर -3, इधर +3, इस तरीके से इन्फिनिटी तक और इधर -इन्फिनिटी तक नंबर लाइन पूरा का पूरा रहता है। इसमें यदि आप ध्यान से देखोगे तो -2 से लेके +2 तक के जो नंबर है, इधर जो नंबर होंगे उनका मॉडुलस 2 से कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे 0 का मॉडुलस तो 0 होगा, 1 का मॉडुलस 1 होगा, इधर 0.5 है तो उसका मॉडुलस 0.5 होगा जो कि लेस देन 2 है, इधर जैसे नंबर है -0.5 होगा यहाँ पे तो उसका मॉडुलस लेंगे तो कितना आएगा, 0.5 जो कि लेस देन 2 होगा। लेकिन जैसे ही मैं 2 या तो 2 से बड़ा नंबर लेता हूं तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा। और -2 से यदि लेस देन नंबर लेते हैं, लाइक -2.5 ले लेता हूं, तो उसका मॉडुलस +2.5 आ जाएगा जो कि इससे लेस देन नहीं रहेगा। मॉडुलस ऑफ -2.5 इज +2.5 एंड दैट इज दैट विल नॉट वायलेट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, सो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2, इस तरीके का यदि पॉजिटिव नंबर कभी भी आप यहां देखो और यहां लेस देन का साइन है तो इसका मतलब बन जाता है कि x इसका मतलब जो है वो -2 से लेके +2 का नंबर है। क्लियर, x क्या है, -2 से +2 का नंबर होगा। एक्चुअली आपको इसके लिए थोड़ा सा जो है वो अपना दिमाग जो है वो अच्छे से लगाना है कि यदि मैं 2 से बड़ा नंबर लूंगा तो उसका मॉडुलस तो 2 से ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, मॉडुलस ऑफ दैट नंबर मस्ट बी लेस देन 2, तो x को लेस देन 2 होना चाहिए, है ना। और सिमिलरली यदि मैं x का वैल्यू -2 से छोटा लेता हूं, मतलब आप समझ लीजिए कि -2.5 ले लूं या -3 ले लूं, तो उस कंडीशन में मॉडुलस ऑफ -3 हो जाता है +3 एंड +3 इज लेस देन 2, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो -2 से बड़ा नंबर जैसे -1 हो गया, -1.5 हो गया, ये सब इसमें मॉडुलस में जब हम पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करता रहेगा। और इसलिए एक जो कंडीशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ साफ साफ और याद भी रखेंगे आप,
और मैं जब मॉडुलस आगे बताऊंगा, इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, उसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, वहां भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि यदि कभी भी ऐसा इक्वेशन दे रखा हो कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन के, वेयर के इज पॉजिटिव, वेयर के इज ग्रेटर देन जीरो, देन एक्स मस्ट लाई बिटवीन माइनस के टू प्लस के। अभी फिलहाल के लिए ये जो है वो आप याद रख लीजिए, ठीक। तो इसका मतलब जो ए सेट है, क्वेश्चन में जो दे रखा है ए सेट, उसमें एक्स की वैल्यू माइनस टू से प्लस टू के कोई भी रियल नंबर्स हैं, और इसलिए इसको हम सेट थ्योरी में रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। इसके लिए हमने पढ़ा था एक इंटरवल मेथड में हम इसको लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखते हैं, माइनस टू से प्लस टू ओपन इंटरवल है एक्चुअली इसका मतलब, है ना। तो इसको हम माइनस टू से लेके प्लस टू ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। अब बी सेट देखते हैं, बी सेट क्या है हमारा, बी सेट के लिए सॉल्व करते हैं। बी सेट में दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होना चाहिए, और एक्स कोई भी रियल नंबर है। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री और एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री। इस बात को भी समझना होगा, थ्री से यदि कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पे है तो उसका मॉडुलस थ्री से ज्यादा ही होगा। लाइक फोर है, एक्स माइनस टू की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, या तो एक्स माइनस टू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस थ्री हो सकती है। लाइक माइनस थ्री से छोटे नंबर कौन कौन से है, माइनस फोर, माइनस फाइव, और यहाँ पे यदि माइनस फोर या माइनस फाइव आएगा तो उसका मॉडुलस जो है, जैसे माइनस फोर है तो उसका मॉडुलस प्लस फोर हो जाएगा, और प्लस फोर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हो जाएगी। तो माइनस थ्री से जो छोटा नंबर आप लोगे यहाँ पे एक्स माइनस टू का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। तो या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन वाला जो साइन है विथ इक्वल टू हम यहाँ पे दोनों में ले लेंगे, एक में प्लस थ्री एक में माइनस थ्री। यहाँ से आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव और यहाँ से आएगा हमारे पास एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ वन। दोनों तरफ यहाँ पे टू ऐड करना है और इधर भी टू ऐड करेंगे, तो एक्स जो है लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू दैट इज माइनस वन यहाँ आ जाने वाला है। और इसका मतलब होता है कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी। कैसे लिख रहे हैं सोचिए, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन मतलब एक्स माइनस वन या उससे कम है, तो एक्स की वैल्यू इसका मतलब रियल नंबर में है यदि हम बात कर रहे हो, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक की वैल्यूज हो सकती है क्लोज इंटरवल, इसलिए क्योंकि इक्वल टू का साइन है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव का मतलब है कि एक्स फाइव या फाइव से ज्यादा है, और फाइव से बड़ा नंबर तो इन्फाइनाइट तक होता है रियल नंबर में, ठीक है ना, कोई भी नंबर, लेकिन फाइव पे यहाँ क्लोज इंटरवल रहेगा। तो इंटरवल फॉर्म में लिख लेना है। तो ए सेट जो है वो हमारा निकाला था हमने माइनस टू टू प्लस टू, है ना, यहां से। और बी सेट जो है वो हमने निकाला है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी। अब एक एक करके हम चेक करेंगे, ए में से बी को माइनस करना है, तो ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप कोशिश करिए कि जल्दी करने का। तो नंबर लाइन जो है ना, इसमें माइनस टू और ये रहा प्लस टू, तो ए सेट क्या है, माइनस टू से लेके प्लस टू तक के नंबर्स को हम कह रहे हैं ए सेट है ये, क्लियर, क्लोज ओपन इंटरवल। और बी सेट है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, तो ऑब्वियसली माइनस वन जो है वो बाद में आता है, बड़ा है ना, माइनस टू से बड़ा नंबर है माइनस वन, तो माइनस वन और फाइव यहाँ पे कहीं होगा, मान लेते हैं। तो ये बी सेट जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन क्लोज इंटरवल है इस तरीके से, एंड फाइव टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल में फाइव है, तो इसलिए इस तरीके से, है ना, ये हमारा बी सेट है, ए सेट एंड बी सेट। अब देखते हैं ए माइनस बी, ए में से आपको क्या करना है, बी को माइनस करना है। तो जब भी हम ए में से बी को माइनस करते हैं तो ए माइनस बी देखिए क्या होता है, ए माइनस बी जो होता है वो हमेशा होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। ए माइनस बी इज ए सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस सेट में से हमको वो माइनस कर देना है जो इस इन दोनों में कॉमन है। तो कॉमन पार्ट आप देखोगे तो इतना ही तो कॉमन है ना, कौन सा पार्ट कॉमन है, माइनस टू से लेके माइनस वन तक कॉमन है, इवन माइनस टू भी कॉमन नहीं है क्योंकि माइनस टू इस सेट में नहीं है। तो जब आप ए में से बी माइनस करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास क्या बचने वाला है, आपके पास बचने क्या वाला है, ये पार्ट तो डिलीट हट जाएगा, है ना, माइनस टू टू माइनस वन वाला,
अपने पास बचने वाला है माइनस वन से लेके टू तक का पार्ट। माइनस वन भी हट जाएगा क्योंकि माइनस वन बी में है, इसमें भी है, तो ये माइनस वन जो है वो हट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस वन ओपन इंटरवल टू टू। यहाँ पे माइनस वन क्लोज इंटरवल टू टू ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ए यूनियन बी निकालना है, मतलब इन दोनों का यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट वो या तो ए में है या तो बी में है, उसको हम ए यूनियन बी में रखेंगे। तो ये वाला एलिमेंट यहाँ तक तो इसमें है, इसके बाद इधर है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें या तो इसमें है यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी। तो यदि हम इसको लिखने की कोशिश करें तो ये जो सेट है वो है ऑल द रियल नंबर माइनस टू जो है वो इसमें नहीं है, तो टू हटाना है और फाइव को ओपन रखना है क्योंकि फाइव है इसमें, समझ के बाद ऐसे भी समझ सकते हैं। टू को क्लोज इंटरवल में रखेंगे क्योंकि टू हटाना है मुझे और फाइव इसमें है, इसलिए फाइव से पहले तक को हटा देना है। माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक है ना ओपन इंटरवल यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी। इस सेट में कौन सा ऐसा वैल्यू है जो नहीं है, तो वो है टू से लेके फाइव तक का जो वैल्यू है ना, टू से लेके फाइव तक का जो वैल्यू है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब पूरे रियल नंबर में से ये पार्ट मैंने हटा दूंगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो लिखने का तरीका है ये, है ना, क्या ये है यहाँ पे, नहीं है, टू यहाँ ओपन में है, इधर क्लोज में आ रहा है, तो बी सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। अब हम देखेंगे बी माइनस ए निकाल करके, और बी माइनस ए का मतलब होता है अगेन फिर से बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये बी सेट है, ये वाला सेट क्या है हमारा बी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी, ये है हमारा बी सेट। इसमें से मुझे ए सेट माइनस करना है, तो फिर से कॉमन क्या है हमारा यहां तक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू क्लोज इंटरवल इस बार आएगा। क्यों आएगा क्लोज इंटरवल, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस टू ओपन है ए में, तो ए में तो है ही नहीं ना, माइनस टू इज नॉट इन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो माइनस करना है, तो माइनस टू माइनस नहीं कर सकते क्योंकि माइनस टू ए में है ही नहीं, उसके बाद के नंबर इसमें है, तो ये वाला पार्ट हम हटाएंगे, तो माइनस टू तक जो है वो लेंगे और फिर इधर तो फाइव टू इन्फिनिटी पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही हम लिखना होगा क्योंकि वो तो कॉमन है ही नहीं ए में, है ना। और इसका मतलब हो जाएगा कि आर माइनस क्या है, इसमें कौन सा नंबर में माइनस करना होगा, माइनस टू टू फाइव ओपन इंटरवल माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल माइनस टू टू फाइव माइनस टू तक है और यहाँ फाइव क्लोज इंटरवल के बाद है, तो उसके बीच वाले जो नंबर है वो रियल नंबर में नहीं है इस वाले में, ठीक है ना। इस वाले में कौन से नंबर नहीं है, माइनस टू से फाइव का बीच का वाला नंबर गायब है इसमें से, है ना। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं क्या है सी ऑप्शन, आर माइनस माइनस टू टू फाइव यही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट है, इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल चॉइस प्रॉब्लम होते हैं, इसमें ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें इक्वल हम प्रूफ करना होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स इफ दिस इज ट्रू देन दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये हमें प्रूफ करना है कि यदि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ए बी के बराबर होगा, है ना। सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्या गिवन है यहाँ पे कि ए यूनियन बी गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन इज दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसको वन लिख लीजिए। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी होगा, यदि ये होगा तो ए बी के बराबर होगा। और कोई भी दो सेट कब बराबर होते हैं, ए बी के बराबर तब होगा जब ए बी का सबसेट हो और बी जो है वो ए का सबसेट हो, है ना। सो वी स्टार्ट विथ दिस थ्योरम, दिस वी स्टार्ट विथ दिस, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट एक्स यदि ए सेट का एलिमेंट होगा तो इसका मतलब एक्स जो है वो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ए जो होता है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ए जो है वो ए यूनियन बी का ही पार्ट होता है, तो जो एलिमेंट ए के अंदर है वो ए यूनियन में बी में भी होगा क्योंकि ए यूनियन बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट, ए सेट भी उसके अंदर रहते हैं और बाकी बी सेट के भी कुछ एलिमेंट, बी सेट के भी सारे एलिमेंट उसके अंदर रहने वाले हैं। तो
इसलिए हम कहेंगे कि x यदि a सेट में होगा तो x a यूनियन b में भी होगा, और इसका मतलब है कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में भी होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि a यूनियन b जो है वो a इंटरसेक्शन b के बराबर है, इट इज गिवन गिवन। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x a में तो है, x a बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी में भी है, इसका मतलब एक्स बी क्या है, बी में भी है। समझ रहे हैं बात, एक्स ए में है और एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो बी में भी है। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी सेट, ये क्या है, बी सेट का सबसेट है। सिमिलरली सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से दैट prove that that B is a subset of A. So let X belongs to set B, and that simply implies that X belongs to A union B, and the reason is same that B is a subset of A union B, and that simply implies that X belongs to A intersection B, and so because A union B is equal to A intersection B, it is given, and that means X must belongs to set A. That means B is a subset of set A. A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A. ये जो है इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम वन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं फ्रॉम वन, जो कि गिवन है ना। तो फ्रॉम वन एंड टू, यहाँ पे इसको टू और इसको थ्री लिख लेते हैं, सॉरी। तो फ्रॉम टू एंड थ्री वी कैन से दैट A सेट इज इक्वल टू B सेट। इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है सॉल्व। तो कभी भी हमें जब दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, कोई कंडीशन गिवन है तो उसी कंडीशन को यूज करना है हमें, हमें और आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ कैसे स्टार्ट किया, x एक एलिमेंट है सेट A का, हमने ये स्टार्ट किया, x A यूनियन B में भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि A सेट जो होता है वो A यूनियन B का सबसेट होता है, मतलब A के सारे एलिमेंट A यूनियन B में होते हैं। तो x यदि A सेट में होगा और A के सारे एलिमेंट A यूनियन B में है, तो इसका मतलब x A यूनियन B में भी का भी एलिमेंट होगा, और A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो इसका मतलब x A इंटरसेक्शन B में है, ठीक। और इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, है ना, होता है ना, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। सो दैट मीन्स वी कैन इजीली से दैट x जो है वो A B दोनों में ही है, तो इसका मतलब x b में है, यहाँ तो लिखा ही हुआ a में है, यहाँ पे मैं लिखूंगा x b में है, और जो एलिमेंट a सेट में है और वही सेम एलिमेंट एवरी एलिमेंट जो है वो b सेट में भी है, इसका मतलब क्या होता है कि a b का सबसेट है। इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, एंड सिमिलरली जो है वो दूसरा वाला भी पार्ट जो है वो b a का सबसेट होगा, ये वाला भी कर लेंगे, और इसका मतलब इन दोनों को एक साथ देखने का मतलब होता है कि a b के बराबर है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो है ना, इसको सॉल्यूशन करने से पहले क्या दिया हुआ है कि ए बी का सबसेट है, गिवन है, क्या गिवन है, ए जो है वो बी का सबसेट है, और इसका मतलब बताया था इसका जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था, तो इसका मतलब है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, इसका ये मतलब होता है कि a यदि b का सबसेट है, then we can easily say that x belongs to a implies x belongs to b। कहने का मतलब है कि a के सारे एलिमेंट b में होंगे। यदि आप रिकॉल करें कॉन्सेप्ट को, तो क्या है कॉन्सेप्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज इन सेट b, यही होता है ना सबसेट का कॉन्सेप्ट। सबसेट का कॉन्सेप्ट ये है कि a सेट के सारे एलिमेंट b सेट में है, तो हम कहते हैं ए बी का सबसेट है, मतलब x यदि a सेट का एलिमेंट है देन x को b सेट में भी होना पड़ेगा, तभी हम a को b का सबसेट कहते हैं, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमें प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, कि मान लेते हैं कि जो एलिमेंट है y एक एलिमेंट है जो कि c माइनस बी सेट में है, और यदि मैं ये प्रूफ कर दूं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि ए बी का सबसेट होगा, तो उस कंडीशन में क्या हमें प्रूफ करना है, वो ये तो हो गई डेफिनेशन, ये सिंपल ऐसे ही दिया हुआ है, गिवन है कि ए बी का सबसेट है, इसी को यूज करेंगे हम आगे।
y इज एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी सेट है ना। और यदि मैं ये प्रूफ कर दूं कि y जो यदि इस सेट में होगा तो y c माइनस a वाले सेट में भी होगा, यदि a b का सबसेट है तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। y बिलोंग्स टू c माइनस b इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू c बट y नॉट बिलोंग्स टू सेट b, यही मतलब होगा कि y c में तो है लेकिन y b में नहीं है। क्लियर? एंड दैट सिंपली इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू c बट y नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b, a यदि b का सबसेट है ना, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इन b, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज इन इन बी सेट। तो y यदि b सेट में नहीं होगा तो y a सेट में भी नहीं होगा, ये भी हमें समझना होगा। और ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि a क्या है, b सेट में है, a के सारे ये जो सेट है उस वो b का सबसेट है। तो y यदि b सेट में ही नहीं है, y यदि b सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब y a सेट में भी नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? ए के सारे एलिमेंट बी सेट में है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है। और यदि मैं कह रहा हूं कि वाई जो है वो बी सेट में नहीं है, है ना, वाई बी सेट का एलिमेंट नहीं है, बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो वाई यदि बी सेट में नहीं है तो वाई ए सेट में भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि B सेट में A सेट के सारे एलिमेंट हैं, और Y यदि B सेट में नहीं है तो Y A सेट में भी नहीं होगा। यहां से समझ में आ जाती है, और यहां से साफ साफ कंक्लूजन निकलता है कि Y जो है वो बिलोंग करेगा C माइनस A सेट को, है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन इजली से दैट C माइनस B सेट जो है वो सबसेट होगा किसका, C माइनस A सेट का, दैट इज प्रूव्ड। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये भी प्रूफ करने वाला प्रॉब्लम है। सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए सेट हमें इक्वल प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सेट के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से मैं इधर जो राइट साइड में है वो लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये ए के बराबर है। तो इसको देखते हैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ए माइनस बी सेट को ही हम ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं, है ना, मीनिंग सेम ही है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज द एलिमेंट विच इज इन ए बट नॉट इन बी, है ना। ए माइनस बी का क्या मतलब है, जो एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है। और इसका भी मतलब वही है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। यहां पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, जैसा कि हम जानते हैं कि a इंटरसेक्शन, यदि मान लीजिए b यूनियन c है कहीं पे लिखा हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यदि लगाए तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को मैं लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन जो ये वाला पार्ट है ना, ए इंटरसेक्शन वो बाहर निकाला और ये बी यूनियन सी, इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पढ़ाया था इसको। तो यहां से हो जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स एनी सेट यूनियन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, है ना। एंड एज यू नो दिस फैक्ट, this a intersection u is equal to a because this is a is a subset of
यूनिवर्सल सेट, ये के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हैं, इसका मतलब कॉमन क्या है, ये सेट ही कॉमन है यूनिवर्सल सेट और ये में, तो इस तरीके से ये जो है वो हमारा प्रूव्ड हो जाता है, प्रूफ प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम है इसमें मुझे चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या तो फॉल्स है, यदि ये फॉल्स है तो एक एग्जांपल देना है और यदि ये ट्रू है तो मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ट्रू फॉल्स का चेकिंग करूंगा, दिया हुआ है कि यदि एक्स सेट ए में है और साथ ही साथ ए जो सेट है वो बी सेट का एलिमेंट है तो एक्स बी सेट में होगा, ठीक है। तो एक बात समझिए, यहाँ पे ए सेट मान लीजिए 1, 2, ये सेट मैंने ए सेट ले लिया और बी सेट ऐसा ले रहा हूं जिसमें ए सेट बी का एलिमेंट हो, बी सेट का एलिमेंट हो, तो ऐसा तो ये मान लीजिए 3, 1, 2 इस तरीके से मैंने ले लिया, है ना। ध्यान से देखिए, बी सेट क्या लिया मैंने, 3, 1, 2, तो ए सेट मैं कह सकता हूं कि ए जो है वो बी सेट का क्या है, एलिमेंट है। ए सेट जो है वो क्या है, बी सेट का, ए बी सेट का एलिमेंट है। तो बोला गया है कि देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो क्या वन जो एलिमेंट है, क्या वन जो है वो बी सेट में है, तो वन बी सेट के अंदर नहीं है। क्या टू जो है वो बी सेट में है, एक में भी देख लेंगे तो हम कह देंगे कि ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। क्या टू बी सेट के अंदर का एलिमेंट है, तो नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये निकल जाता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब क्योंकि हमें तो पता चला कि एक्स जो है वो बी सेट में नहीं है, एक्स मतलब वन एंड टू को हम एक्स कह रहे हैं, तो एक्स जो है वो ए सेट में है बट एक्स जो है वो बी सेट में नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि एक्स बी सेट में है, तो वो फॉल्स निकल रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहले तो ये जो प्रॉब्लम है वो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स चेक करना है, फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो, ट्रू है तो प्रूफ करो। तो पहले एग्जाम्पल लेकर के ही हम ट्रू फॉल्स की चेकिंग कर लेते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, यदि ट्रू होगा तो हम इसको प्रूफ भी करेंगे एक्चुअल में, ठीक है ना, और यदि फॉल्स है तो एग्जाम्पल से ही हम इसको समझ लेंगे। ए क्या है, बी का सबसेट है, मतलब ए एलिमेंट मान लीजिए 1, 2 ले लेता हूँ और बी जो है वो ले लेता हूँ 1, 2, 3 और 4, ओके। तो यहाँ पे ए क्या है, बी का सबसेट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ए बी का सबसेट है। एंड बी बिलोंग्स टू सी, एक सेट है सी जिसमें बी जो सेट है वो सी का एलिमेंट है, मतलब बी सेट जो है सी सेट का एलिमेंट है बी, मतलब 1, 2, 3, 4 और मान लीजिए 5, 6 और डाल दिया मैंने, वैसे ही बना दिया। तो बोला गया है कि ए जो है वो सी सेट में बिलोंग करेगा, मतलब ए जो है वो सी सेट का एलिमेंट होगा, तो क्या ये वाला सेट इस सेट में है कहीं पे, नहीं है, मतलब बी सी सेट का एलिमेंट है बट इस पूरे सी सेट में क्या ये वाला एलिमेंट कहीं है, ये तो सी सेट में नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ठीक। इस तरीके का हम जो है वो काउंटर देते हुए बता सकते हैं कि यदि हम इस तरीके से ले लेते हैं, बी सेट सी में ले लेते हैं और बाकी कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, ये सेट हम इसके अंदर नहीं भी रखें, तो यहाँ पे तो बी सी का सबसेट है, बी सी का है, बी सी सेट का एलिमेंट है, ए जो है वो बी का सबसेट भी है, बट फिर भी ये जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दिया हुआ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ए सेट ले लेते हैं 1, 2, बी सेट ले लेता हूं मैं 1, 2, 3, है ना, मतलब ए बी का सबसेट है, तो सही है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, 1, 2, 3, 4 ले लेता हूं, ठीक है ना, तो बी सी का सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो बोला है कि देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ए के सारे एलिमेंट सी में होंगे तो है, तो ए सी का सबसेट है, बी सी ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा, तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो गया, ठीक है, मतलब इसका मतलब हमें इसको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा, तो हम प्रूफ करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना,
तो हमें ये प्रूफ करना है ये जो सबसेट ऑफ सी और ये दोनों चीजें हमें गिवन है। तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, ए सी का सबसेट है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस सिंपली इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये एक्स यदि ए में होगा तो एक्स बी में होगा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स ए में है तो एक्स बी में होगा। अगला दिया हुआ है कि बी सी का सबसेट है, इसका मतलब एक्स यदि बी में है तो एक्स सी में भी होगा। क्यों? सिंस बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो एक्स यदि बी में है तो एक्स सी में भी होगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि एक्स ए में है तो एक्स सी में है, ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब ए क्या है, सबसेट है सी का। तो बहुत आसानी से ये जो है वो प्रूफ हो गया इन दोनों को यूज करते हुए। तो आज के क्लास में इतना ही। सेट थ्योरी का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आप घर पे करिए, मिसलिनियस चैप्टर तक करिए। कोई भी उसमें डाउट होने से जो है वो आप बेझिझक जो है वो पूछते रहिए इसमें सेट थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले तो मैं रिलेशन बताऊंगा, जिसमें कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तब तक जो है वो आप सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करिए। थैंक यू।